वेलकम फ्रेंड्स। अब हम बीएससी फिफ्थ सेम में फाइनल ईयर में हम क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत करते हैं। अब उसमें सबसे पहले हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वाला टॉपिक पढ़ेंगे, हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वाला आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है? तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है? तो आप देखिए, आप सभी को मालूम है कि नेचर सिमिट्री पसंद करता है, नेचर लाउज सिमिट्री, ठीक है? दूसरा, आप सभी को ये भी मालूम है कि जो रेडिएशंस होती है, रेडिएशंस का ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है? वो एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और एक वेव की तरह भी, आप सभी को ये बात मालूम है, ठीक है? और जो हमारे पास यूनिवर्स होता है उसमें रेडिएशंस भी होती है और मैटर भी होता है। तो नेचर लाउज सिमेट्री एज यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर, ओके? कि जो नेचर है वो सिमेट्री को पसंद करता है और यूनिवर्स होता है वो रेडिएशंस और मैटर से मिलके बना हुआ होता है। सो रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है, तो सिमेट्री की वजह से हमारे पास जो मैटर है उसका भी नेचर ड्यूअल होना चाहिए। ड्यूअल नेचर मीन्स जो मैटर होता है, आप सभी को ये तो मालूम है कि पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, लेकिन जो मैटर है उसे रेडिएशन की तरह भी सिमिट्री की वजह से बिहेव करना चाहिए, ठीक है? तो आप यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि नेचर लाउज सिमिट्री एज यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर, ठीक है? रेडिएशंस और मैटर से मिलकर बना है हमारे पास यूनिवर्स, रेडिएशंस का ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है? ड्यूअल नेचर मीन्स रेडिएशंस बिहेव एज ए पार्टिकल आल्सो एज ए वेव। सो फॉर सिमेट्री मैटर मस्ट हैव ड्यूअल नेचर। तो मैटर का भी सिमेट्री की वजह से ड्यूअल नेचर होना चाहिए। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल की तरह तो बिहेव करता है, आप सभी को मालूम है। तो हम क्या बोलेंगे, टू एवरी मूविंग पार्टिकल, जो हर पार्टिकल मूव करता है, टू एवरी मूविंग पार्टिकल ए वेव इज एसोसिएटेड। जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई भी मूविंग पार्टिकल है, तो उसके साथ क्या होगी, एक वेव एसोसिएटेड होगी, ठीक है? ए वेव इज एसोसिएटेड और उस वेव को हम क्या बोलेंगे, डी ब्रोगली वेव, या फिर क्योंकि ये वेव मैटर के साथ एसोसिएटेड है तो बोलेंगे इसको डी ब्रोगली वेव या फिर मैटर वेव, ठीक है? और ये जो बात थी कि हर पार्टिकल के साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होती है, ये डी ब्रोगली ने हमें बताई थी, ठीक है? तो इसलिए इसके नाम पे ये पड़ गया। सो डी ब्रोगली वेव या फिर मैटर वेव, ठीक है? तो जो ये हमारे पास इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी इस पार्टिकल की, ठीक है? तो इसके हम वेवलेंथ की बात करेंगे, एंड इट्स वेवलेंथ इज गिवन बाय, सो इसकी वेवलेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास आ गया, और यहाँ पे जो पी है, एच हमारे पास हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट और पी क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम, ठीक है? तो अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, तो वैसे तो हमें मालूम हो गया कि जो वेवलेंथ होगी पार्टिकल की वो आ जाएगी हमारे पास एच डिवाइडेड बाई पी, लेकिन इसका हम प्रूफ भी देखेंगे। अगर शॉर्ट नोट की बात आती है तो इसका हमें प्रूफ भी देखना पड़ेगा कि ये कैसे आया था, ठीक है? तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो हमारे पास एनर्जी होती है, मींस ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ये आप सभी ने पढ़ा हुआ है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है? ऐसे ही अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है? तो हमारे पास ई किसके इक्वल आता है, एम सी स्क्वेयर के इक्वल आता है, ठीक है? ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो हमें यहां से एक्चुअली में निकालना क्या है, लैम्बडा,
और उसको हम न्यू को हम लिख पाएंगे लैम्डा की टर्म्स में, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लैम्डा की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या लिख पाएंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। और एच न्यू को हम क्या लिख पाएंगे, एच सी बाई लैम्डा, और इधर हमारे पास क्या है, एम सी स्क्वायर। तो सी से सी कैंसिल, तो हमारे पास लैम्डा कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा इस साइड, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, एच बाई एम सी, ठीक है। और हमें मालूम है, बट वी नोज एम सी जो होता है मास गुणा वेलोसिटी, सी हमारे पास यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पी लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो लैम्डा हमारे पास कितना आ जाएगा, एच बाई पी, यही हमारे पास क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई डी ब्रोगली वेवलेंथ, आप यहाँ से देख पाए। तो आप एज इट इज लिखेंगे, अगर एग्जाम पे अगर आपसे पूछा जाए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अभी एक बात और लिख सकते हैं हम इसके बारे में, कि ये तो हमारे पास आ गई डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल हो, मीन्स इफ ए पार्टिकल हैविंग मास एम मूव्स विद वेलोसिटी वी, ठीक है, तो उसका लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा, देन इट्स लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, मीन्स पी हमारे पास कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसी पार्टिकल की, इस केस में तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की बात आ रही थी, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, इफ ए पार्टिकल हैविंग मास एम मूव्स विद वेलोसिटी वी, कोई भी पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हमें मालूम है, हमने यहाँ पे देखा है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में, कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होगी, ठीक है। तो हमने उसकी लीनियर मोमेंटम तो देख लिया, एम वी हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसकी देयरफॉर हम यहाँ से इसकी वेवलेंथ की बात कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी वेव होगी तो उसकी वेवलेंथ हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा कितना हो जाएगा, एच बाई उसका लीनियर मोमेंटम हमारे पास पी था, तो इसकी जगह पे हम पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम पुट कर देंगे, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये हमारे पास वेवलेंथ किसकी आ जाएगी, कोई भी पार्टिकल अगर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। और ये हमने प्रूफ देख लिया था, प्रूफ के लिए हमने स्पीड ऑफ लाइट से कोई भी मैटर मूव कर रहा था, ठीक है। तो हमने यहाँ से ये आर्टिकल देख लिया, ठीक है। तो अब हम एक और आर्टिकल अभी देख लेते हैं, एक और टॉपिक देख लेते हैं अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें इलेक्ट्रॉन की निकालनी हो तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे कर लेते हैं, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की निकालेंगे। अभी हमने किसकी निकाली थी, कोई भी पार्टिकल अगर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो उसकी हमने निकाली थी, वो हमारे पास कितनी आई थी, एच बाई एम वी, ठीक है। ओके, तो अब हम इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो हम कंसिडर कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसका मास हम क्या ले लेते हैं, एम हैविंग मास
एम, चार्ज उस पर कितना हो जाएगा ई, चार्ज का मैग्नीट्यूड ई। कंसीडर कर लिया हमने एक इलेक्ट्रॉन, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास एम, चार्ज ई, और हम उस इलेक्ट्रॉन को किस में एक्सीलरेट करवा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस में। अगर हम इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसको अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस से पास करेंगे तो वो एक्सीलरेट करेगा, ठीक है। तो एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी, ठीक है। तो हमको उसने हमने इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस में से पास किया, देन काइनेटिक एनर्जी भी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात कर सकते हैं, देन काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाई इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्केयर, ठीक है। और ये किसके इक्वल आएगी, मीन्स ये एनर्जी ही है, एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल होती है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। यहाँ पे जो वी है ये पोटेंशियल है, और यहाँ पे जो ये वी है ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब हम वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी वी स्केयर हमारे पास कितना आ जाएगा, ई वी डिवाइडेड बाई 2m। तो v हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, ई वी डिवाइडेड बाई 2m का अंडर रूट, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, बट डी ब्रोगली वेवलेंथ जो हमारे पास होगी वो हमें मालूम है वो कितनी होती है, एच बाई एम वी। बिकॉज हमने निकाला था अभी अभी पीछे वाले टॉपिक में कि किसी भी पार्टिकल की अगर हम वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम इलेक्ट्रॉन को भी वी वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, एच बाई एम वी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखिए, ये वी हमने इस फॉर्मूले से क्यों निकाला था, क्योंकि जो हम फॉर्मूला है डी ब्रोगली वेवलेंथ का उसमें हम वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है। तो इसलिए हमने वी निकाला यहाँ पे, तो हाफ एम वी स्केयर इज इक्वल टू ई वी, वी स्केयर ये आ जाएगा और वी हमारे पास ये आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे वी निकाला था ताकि हम इस फॉर्मूला में पुट कर सकें, ठीक है। तो लैम्डा हमारे पास कितना आ जाएगा, एच डिवाइडेड बाई एम इंटू वी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ई वी डिवाइडेड बाई 2m का अंडर रूट। तो अब आप यहाँ से देखिए, 2m जो है, m जो है हमारे पास अंडर रूट है नीचे, यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट m का स्केयर लिख सकते हैं, तो यहाँ से कैंसिल। तो इसका मतलब क्या आ गया, ई वी के साथ ही अंडर रूट m मल्टीप्लाई में है, तो पूरा हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारे पास, ये जो नीचे है हमारे पास, देखिए सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे देखिए वी स्केयर जो हम निकाल रहे थे, तो वी स्केयर कितना आएगा, एम डिवाइड में आएगा, और जो टू था इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो ये आएगा टू ई वी बाई एम, टू ई वी बाई एम आएगा, सॉरी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये कितना आ जाएगा, टू ई वी डिवाइडेड बाई ये, तो हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू ई वी मीन्स एच एज इट इज, और ये रूट एम इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मीन्स कंप्लीट रूट के अंदर आ जाएगा, टू एम ई वी, ये हो गया हमारे पास टू एम ई वी। तो मीन्स लैम्बडा हमारे पास कितना आएगा, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, एच डिवाइडेड बाई टू एम ई वी का अंडर रूट। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है, ओके। और आप सभी को मालूम है जो काइनेटिक एनर्जी थी हमारे पास वो किसके इक्वल थी, ई इंटू वी के इक्वल थी, तो इसकी जगह पे हम ई पुट कर सकते हैं, मीन्स एनर्जी। तो लैम्डा हमारे पास कितना आ जाएगा, एच डिवाइडेड बाई टू ई इंटू वी इसका अंडर रूट, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे वी जो है हमारे पास पोटेंशियल है, पोटेंशियल है, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब देखिए, अब इनमें हम स्टैंडर्ड वैल्यूज का यूज कर सकते हैं और आगे हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यूजिंग
स्टैंडर्ड वैल्यूज। तो एच जो हमारे पास होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आप सभी को मालूम है 6.6 × 10⁻³⁴ जूल पर सेकंड। ठीक है, ऐसे ही अगर हम मास की बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻³⁹ किलोग्राम, और ई जो होता है उस पे चार्ज कितना होता है 1 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। तो इसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, क्योंकि हमने जो क्या क्या वैल्यू पुट किया है, थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये आ गई थी, सेकंड में मास एम की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ई की और वी की हमें नहीं पता। ठीक है, क्योंकि जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास गिवन होगा। ठीक है, कितना पोटेंशियल हम लगा रहे हैं वो तो कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं होगी कोई भी, हमारे पास गिवन होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारे पास। तो अब देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड इन वैल्यूज़ का हम सेकंड इक्वेशन में यूज़ करेंगे, तो हमारे पास लैम्डा कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जब हमने इन सभी वैल्यूज़ का यूज़ किया, लिख दिया 6.6 × 10⁻², ये सारे लिखा, तो हमारे पास आया 12.27 ÷ अंडर रूट वी, क्योंकि 2b 2 × m × e इन सभी का मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लिया, तो अंडर रूट वी। और जो ये हमारे पास वेवलेंथ है ये आ गई एंगस्ट्रोम में। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 12.27 ÷ एंगस्ट्रोम लैम्बडा आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास पोटेंशियल जो होगा, अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसमें पोटेंशियल अगर हमारे पास गिवन है तो हम इस डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर फोर्थ ले लेते हैं। तो आप यहाँ से देखिए जो सेकेंड इक्वेशन है इसका भी यूज़ कर सकते हैं हम पार्टिकल की वेवलेंथ निकालने के लिए, थर्ड इक्वेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, फोर्थ का भी। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सेकेंड थर्ड फोर्थ क्या हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो जाएंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, सो थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, और अगर आपका कोई भी सुझाव हो और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बताइए, और आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फ्रेंड्स।